ये देखो इतनी बड़ी मैंगो, 1 किलो की होगी शायद, ये आधे किलो की तो होगी डेफिनेटली। ओह माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है कहीं इसमें सांप तो नहीं है ना, ऐसा ही लग रहा है। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, गुड मॉर्निंग, शुभ सवार। हमारा काम स्टार्ट होगा, पूरा दिन स्टार्ट होगा। भर्ती जा रही है? यस, मैं जा रही हूँ अभी, क्योंकि हमें आम के पिकल्स बनाने हैं, तो इसके लिए पहले सबसे ज्यादा खास जरूरी चीज होती है आम, तो वो आम के पिकल्स बनाने के लिए आम भी चाहिए। आम के पिकल्स तुमने बताया तब मुझे पता चला, वो नहीं पता था मुझे। ये इसको भी देख के अच्छा लगा है ना, तो अभी तुमको वो करना होगा ना, चारा काटना होगा। मैं इसका जरूरी है वो कर लूंगा, उसके बाद मैं जाके आती हूँ। अगर तुमको लगे कि 1-2 घंटे के लिए मैं नहीं आई हूँ वापस, तो देखने आना अगर कहीं नीचे गिरूँ या ऐसा कुछ, लेकिन मैं गिरूंगी नहीं। ठीक है, जाओ, मैं देखता रहूंगा, मैं शाम तक देखने आता हूँ। शाम तक, ओके। तो मैं अभी जाती हूँ पहले मैंगो लेने के लिए। अभी ओम उठा है और यहाँ पे मम्मी जो अब ये स्वीट कॉर्न सूख गए है, ये हम नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं ये पके हुए स्वीट कॉर्न को। अमेरिकन है, अमेरिकन मक्की इसको बोलते है। घोबा वाली होती है, घोबा वाली। गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है यहाँ पे अभी? गुड मॉर्निंग, ऐसे कैसे गुड मॉर्निंग कैसे करते हो? मॉर्निंग ऐसे। वैसे आई थिंक आज शायद मदर्स डे है, सो यू कैन विश मी मदर्स डे। दो मुझे गिफ्ट, मुझे गिफ्ट दो, किसी तो कहो दो। ओए किसी तो कहो दो। हाँ, क्योंकि मेरे पास मैं चूज नहीं कर सकता। क्यों? मुझे नहीं पता। और तुम क्यों चूज नहीं कर सकते गिफ्ट? मुझे नहीं पता। ओके बाय। तो अभी मैं आ गई हूँ हमारे ये दूसरी साइड खेत में, जहाँ से मैं अभी मैंगो उतारने वाली हूँ। और यहाँ पे हमारा एक जामुन का ट्री है, और जो मैंगो ट्रीज हमारे ही एक सब्सक्राइबर्स ने भेजे थे वो अच्छे से लग चुके हैं। अभी इसमें पानी देना बाकी है। दूसरी साइड भी है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे मैंगोज है, आपको अभी मैं दिखाऊंगी। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इसमें ये ऐसी होके नीचे गिर जाती है, तो अभी इसको निकाल लेना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं इसका कारण क्या है, लेकिन ऐसे होके बिगड़ जाती है अगर हम ना निकालें तो। अभी बड़ी बड़ी मैंगोस तो है ऊपर, आपको दिखेगी शायद। हाँ, जैसे यहाँ पे है। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें कैसा दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ मैंगो निकालने के लिए। और बचपन में ऐसे बहुत ही पेड़ों पे चढ़ के खेलते थे। पहले थोड़ा सा ऊपर जाना थोड़ा सा हार्ड होगा। तो यहाँ पे मिली यहाँ पे बहुत सारी है, और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसकी अभी से। Thank you.
एक मेरे से नीचे गिर गए। अभी यहाँ पे ऊपर बहुत सारी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो रहा है जाना। अभी जब ये फुल हो जाएगा एक बार तो मुझे नीचे जाना होगा एक बार वापस डालने के लिए। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई है मैंगो, बहुत बहुत बड़ी हुई है साइज़ में, क्योंकि इस बार पानी इसको बहुत ज़्यादा मिला है। ये देखो इतनी बड़ी मैंगो, 1 किलो की होगी शायद, ये आधे किलो की तो होगी डेफिनेटली। ओह माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है कहीं इसमें सांप तो नहीं है ना, ऐसा ही लग रहा है। एक मिनट, मुझे लगा कि वहाँ पे सांप है, लेकिन आई थिंक वो कपड़ा है, सांप नहीं होगा। तो अभी एक दो मैंगो दे देंगे, अभी यहाँ से यहाँ नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें ध्यान बहुत रखना ज़रूरी होता है। मैं तो स्लीपर्स पहन के नहीं आती, क्योंकि थोड़ा सा भी पैर स्लिप हो गया तो सीधे जाएंगे नीचे। वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी साइज़ की मैंगोज़ है, लेकिन वो मेरे लिए लेना थोड़ा सा हार्ड है। कैमरा, तुम गिरना मत। हाँ, तो मैं अभी इस साइड में ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पोल है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर भी जाता है इसमें से, तो मुझे अभी सोक नहीं लगाना है खुद को। ऐसे तो वो नहीं होता, लेकिन कभी कुछ लीकेज हो, ऐसा कुछ हो तो हो सकता है, इसलिए मैं इस साइड ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। आप देख सकते हो वहाँ पे मेरे, यहाँ से कैमरा और सब कुछ पकड़ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसलिए अभी मैं कैमरा को छोड़ देती हूँ। अभी मैं ना जाती हूँ एक बार नीचे। अभी यहाँ से नीचे कैसे जाए, हम ऑलवेज ये आइडिया यूज़ करते थे, क्योंकि ये ब्रांच सबसे नीचे है तो फिर यहाँ से नीचे जंप कर सकते, टूटेगी तो नहीं।
अगर टूटी और गिरी तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब ज़्यादा हाइट पे नहीं हूँ मैं। ये हिल रही है, हिल रही है। अब यहाँ से मुझे कैसे भी करके नीचे उतरना है, तो जंप ही करना होगा। अब हो जाएगा। यहाँ से आगे का वीडियो तो देखना होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। लेकिन आज मदर्स डे है तो मैं कुछ थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि हमारे माता पिता के, हमारे पेरेंट्स के कोई सिलेक्टेड दिन नहीं होते। हमें पूरी लाइफ थैंकफुल रहना चाहिए हमारे पेरेंट्स का, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी इस एज में हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर वो पेरेंट्स हो या हमारे इन लॉज हो, हमारे सास ससुर, हमारे माता पिता, सभी के लिए है ये। कि आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया में मदर्स डे हो या फादर्स डे हो, जो भी ऐसे सिलेक्टेड डेज हम सेलिब्रेट करते, मुझे तो हम पर्सनली मैं आराम से कोई भी इसमें बिलीव नहीं करते, लेकिन ये एक हम किससे कितना प्यार करते हैं वो सोशल मीडिया में दिखाने से क्या फ़ायदा, दूसरों को दिखा के क्या फ़ायदा होता है। तो आप जिससे प्यार करते हो उसको पता होना चाहिए एंड आपको पता होना चाहिए। बाकी आप अपनी लाइफ, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि सोशल मीडिया में वेस्ट मत कीजिए, जितना हो सके ऑफलाइन ज़िंदगी जिए, आपके परिवार में, आपके फैमिली मेम्बर से, उसके साथ लाइफ स्पेंड करें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आप 10-15 मिनट या एक घंटा लगा दोगे अच्छा सा कोई एक म्यूज़िक या कोई सॉन्ग ढूंढने में, अच्छा सा फ़ोटो होगा मम्मी के साथ वो लेके रखने के लिए, इससे अच्छा आप एक घंटा आपकी मम्मी के साथ बैठ के बात करो, तो ये इससे बहुत ज़्यादा आपकी मम्मी खुश हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसे ही फ़ोटो पुरानी है मम्मी की वो डाल रहे हो उसमें और मम्मी के साथ आप बात भी नहीं कर रहे हो, और आप दूसरों को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितने अपने मम्मी की रिस्पेक्ट करता हूँ या पापा की या जो भी है, बर्थडे विशेष कुछ भी हो। आजकल सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग अपने फैमिली से ज़्यादा सोशल मीडिया पे, मोबाइल फ़ोन्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे तो अच्छा आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए एंड जो ज़िंदगी का रियल जो इंजॉयमेंट होती है, जो मज़ा होता है वो इंजॉय कीजिए, ना कि बस फ़ोन पे। आपकी हेल्थ भी बिगड़ेगी एंड आपका टाइम भी, जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो भी वेस्ट होगा। तो यही एक मैं सोच रही थी जो मुझे बताना था। एंड पर्सनली मैं सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ, मैं इतना नहीं मानती इन सारी चीज़ों में। मैं जितना हो सकता है मुझे जब भी टाइम मिलता है, मेरा एडिटिंग वीडियो शूटिंग जब ख़त्म हो जाता है तो मैं जितना हो सके इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ होम के साथ, फैमिली के साथ। सो मुझे तो यही लगता है पर्सनली, ये मेरा थॉट है, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। ये हमारी फ़ोटो है जब हम लंदन थे, वहाँ से आए थे इंडिया, तब हम कहीं मैंगो का जो ये जगह होती है वहाँ पे गए थे, मैंगो प्लांट थे बहुत सारे वहाँ मैंगो लेने के लिए। एंड तो फ़ोटो में आपको सिर्फ दो ही लोग दिख रहे हैं, लेकिन असल में तीन लोग हैं, क्योंकि उस टाइम जब हम आए थे लंदन से इंडिया तब मैं 3 months प्रेगनेंट थी एंड इसके बाद हम 1 महीने आई थी रुके थे इस टाइम पे। तो ये 2014 का फ़ोटो है एंड इसके साथ ये वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखना मत भूलना। सो थैंक यू, बाय, कीप वॉचिंग एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू, बाय।